दोस्तों, मशहूर डांसर सपना चौधरी ने मात्र 14 साल की उम्र में ही ऐसे गंदे काम करने शुरू कर दिए थे जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इससे पहले अगर आपको भी सपना चौधरी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर देखा जाए तो किसी भी बड़े सेलिब्रिटी की बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग देखने को मिलती है, चाहे वह बॉलीवुड इंडस्ट्री के हों या फिर टीवी इंडस्ट्री के, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके द्वारा किए कामों की वजह से लोग उन्हें पसंद करने लगते हैं और अगर उनकी फिल्में और सीरियल सुपरहिट हो जाए तो क्या बात है। लेकिन वही एक ऐसी सेलिब्रिटी भी हैं जिन्होंने ना तो बॉलीवुड फिल्मों में काम किया और ना ही टीवी इंडस्ट्री के किसी सीरियल में, फिर भी वह बड़े से बड़े सेलिब्रिटी से भी ज्यादा पॉपुलर मानी जाती हैं और उन्हें देखने वालों की संख्या भी लाखों में पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं डांसर सपना चौधरी के बारे में, जो की लाइव शोज में डांस करती है और उन्हें देखने दूर दूर से लोग पहुँचते हैं। सपना चौधरी ने अपनी कला की वजह से ही अपना इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है जिसे वह खुद भी कभी सोच नहीं सकती थी। सपना चौधरी की पॉपुलैरिटी ने ही उन्हें बिग बॉस जैसे रियलिटी शो में पहुंचाया, जहां खुद सुपरस्टार सलमान खान ने भी उनकी प्रशंसा की थी। और इसी वजह से सपना चौधरी को बॉलीवुड फिल्मों के भी ऑफर आने लगे हैं और राजनीति में भी सपना चौधरी ने फिलहाल ही में अपनी शुरुआत की है। सपना चौधरी ने बहुत ही कम उम्र में इस फील्ड में अपने कदम रख लिए थे, जिसमें वह हट जा तू गाने से मशहूर हुए विकास कुमार के साथ काम शुरू किया। सपना चौधरी का कहना है कि उन्होंने खुद विकास कुमार को उनके साथ काम करने के लिए कहा और विकास भी तभी उनके साथ एल्बम करने के लिए रेडी हो गए थे। मात्र 14 साल की उम्र में बड़ी डांसर बनने के पीछे भी सपना के कई राज छिपे हैं और उन्होंने अपनी निजी जिंदगी में बहुत कुछ झेला है। यहाँ तक कि एक बार सपना चौधरी की कुछ ऐसी तस्वीरें वायरल हो गई थी जिसकी वजह से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया था। सपना का कहना है कि इसी समय दौरान वह काफी डिप्रेशन में भी चली गई थी और उन्होंने खुद को खत्म करने की कोशिश भी की थी, लेकिन शायद किस्मत को तो अभी उन्हें और बहुत कुछ दिखाना था और तभी उनके करियर ने बड़ा मोड़ लिया और वह इस समय हरियाणा और उत्तर भारत की सबसे मशहूर डांसर बन चुकी है। इतना ही नहीं बल्कि अब तो सपना चौधरी एक मॉडल के तौर पर भी काफी काम करने लगी है और अपने करियर की इन बुलंदियों को छूकर सपना खुद भी काफी खुश हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सपना डिप्रेशन में किस वजह से गई होगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे ताजा खबरों के साथ। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें। दुनिया भर की वायरल बात जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।